The future belongs to those who believe in the power of their dreams. ये ओबामा का स्टैचू इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है. बराक हुसैन ओबामा 2, द 44th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो आपको लेके चलता हूँ ओबामा के क्लासरूम में. लेट्स गो. छोटे स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो अक्सर बड़ी चीज़ें कर लेते हैं. पिक्चर्स देखो, पूरी ओबामा की पिक्चर्स लगाई हुई. ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप आप लोग ठीक होंगे. आज का जो ब्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द वर्ल्ड, उसके बारे में. और ये जो इंसान है ये है द 44th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उन्होंने काफ़ी सारा टाइम है जो ओबामा ने इंडोनेशिया में स्पेंड किया है उनकी माँ और स्टेप फादर के साथ. तो आपको लेके चलता हूँ उनके स्कूल में. सो लेट्स गो. जो प्रेसिडेंट ओबामा थे उनकी जो माँ थी वो इंडोनेशिया में काफ़ी टाइम तक यहाँ पे रहे. इंडोनेशियन स्टेप फादर थे ओबामा के. उनकी एक स्टेप फादर से उनकी एक बहन भी है ऐसा मैंने सुना. अभी देखना चाहेंगे कि एक कंट्री का इतना इन्फ्लुएंशियल प्रेसिडेंट जो था वो किस स्कूल से होके निकला था. एटलीस्ट चलो ठीक है, ओबामा से मिलने का मौका तो नहीं मिला कभी, लेकिन कम से कम मौका नहीं मिला तो स्कूल ही देख लेते हैं कि जहाँ पर वो पढ़े कैसा स्कूल होगा वो. तो गाइस, मेंटेंग एरिया है जो एरिया है वहाँ पे ये स्कूल है. अगर जकार्ता का जो बिल्कुल सेंटर है वहीं पे ये मेन जकार्ता की तरफ. तो अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे. तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्कूल, जो ओबामा का जो स्कूल था ये बाहर से ऐसा है. ये यहाँ से जो ग्रीन कलर का दिख रहा है यही शुरू हो गया. ये स्कूल है, पार्किंग है शायद. आज स्कूल खुला हुआ है, पार्किंग में गाड़ियाँ लगी हुई हैं. तो ये स्कूल है बराक ओबामा का. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ कि बचपन में बराक ओबामा को बैरी के नाम से बुलाते थे यहाँ पे. ये देखो, ये रहा स्कूल. ये मेन एंट्रेंस है स्कूल का. ये देखो, ये मेन एंट्रेंस, मेंटेंग 01 जकार्ता. ये स्कूल है और स्कूल के अंदर ही लगी हुई है ओबामा की छत्तीस. वो देखो ओबामा की छोटी सी पिक्चर. ये देखो, बराक हुसैन ओबामा 2, द 44th प्रेसिडेंट ऑफ द United States of America, attended this school from 69 to 71. ये देखो, तो ये स्कूल है, यहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई की है. कोशिश करता हूँ, देखता हूँ अंदर जा सकते हैं या नहीं, ट्राई करता हूँ. तो गाइस, ये है मेन जो स्टैचू है, ये रहा. ये ओबामा का स्टैचू इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है. और आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, मेंशन किया हुआ है. अ यंग बॉय नेम्ड बैरी प्लेड विद हिज मदर एन इन मेंटेंग एरिया. ही ग्रू अप टू बी द 44th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड नोबेल पीस प्राइज विनर बराक ओबामा. तो ये देखो, तो ये है स्कूल. हालांकि एलिमेंट्री स्कूल है, कुछ तीन साढ़े तीन साल यहाँ पे वो पढ़े. ये देखो अंदर से ऐसा है ये स्कूल, कुछ छोटा स्कूल है. और वेलकम टू आवर बिलव्ड स्कूल. आ जाओ, लेट्स गो इनसाइड. तो ये है एंट्रेंस स्कूल का अंदर आने के. ये रिसेप्शन एरिया है पूरा. ट्रॉफीज दिखाता हूँ आपको, आपको ट्रॉफीज दिखाता हूँ जो ट्रॉफीज यहाँ पे हैं सारी की सारी. लुक एट दैट, अमेजिंग. और सामने है पिक्चर प्रेसिडेंट बराक ओबामा के. और श्योर ये बास्केटबॉल कोर्ट रहा होगा पहले भी, और यहाँ पे खेलते रहे होंगे सारे लोग. और हम श्योर बराक ओबामा भी यहीं पे ही खेले होंगे. अगर खेले होंगे तो ये पूरा स्कूल देखो कैसा प्रमाइसेस. एक बार आपको घुमा के दिखाता हूँ पूरा. ये देखो, ये पूरा स्कूल है. अंदर ये हेडमास्टर का रूम है. यहाँ पे अंदर भी पिक्चर्स देखो, पूरी ओबामा की पिक्चर्स लगाई हुई है, द पोस्टर सारा का सारा. तो लेट्स गो, लेट्स सी समथिंग मोर. एडमिनिस्ट्रेशन वालों से परमिशन ले ली तो उन्होंने बोला कि आप सीधे जाके जो रूम है, जाओ जो क्लासरूम है ओबामा का, उस साइड सीधे आप जा सकते हो अगर अंदर आप देखना चाहो तो. आपको लेके चलता हूँ ओबामा के क्लासरूम में. लेट्स गो.
इसके अंदर ही ये देखो एक मॉस्क भी है अंदर ही स्कूल के। बेसिकली ये है क्लासरूम और अंदर से तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि बंद पड़ा अभी फिलहाल। तो अंदर से ये क्लासरूम है जो बराक ओबामा का क्लासरूम था ये वाला। उसके अंदर सामने नज़र आ रहा है या नहीं पता नहीं, अंदर पोस्टर लगे हुए हैं, वो दो फोटो फ्रेम लगे हुए हैं वो ओबामा के हैं। और ये है कैंटीन एरिया इसके साथ ही। अभी सब कुछ बंद पड़ा है तो कैंटीन एरिया भी बंद ही है यहाँ पे। ये देखो ये अंदर कैंटीन है स्कूल की, ये वॉशरूम्स वगैरह हैं और ये ऑब्वियसली वुडू इज़ व्हाट ड्रिंक यू ब्रेक वुडू क्लीन योरसेल्फ पानी। हाँ तो यहाँ पे क्लीन टून करके ऊपर जाके वो करते हैं। तो ये है स्कूल एक्चुअली, ये देखो पूरा स्कूल। तो ऐसा स्कूल है जहाँ पे पढ़ के यहाँ से छोटे स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो अक्सर बड़ी चीज़ें कर लेते हैं ऐसा हमने सुना है। अगर आपके अंदर इंटेंशंस हैं, मैटर नहीं करता आप कौन से स्कूल या कौन से कॉलेज में गए हो और कितना ज़्यादा महंगा कॉलेज था आपका, कितना ज़्यादा महंगा स्कूल था। अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं और आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप कहीं से भी निकल के वर्ल्ड की टॉप नॉच लोगों में हो सकते हो। ये एग्जांपल प्रूव किया प्रेसिडेंट ओबामा ने एक छोटे से स्कूल से, इंडोनेशिया जैसी कंट्री से पढ़ के, और कहाँ पे वो किस लेवल तक वो पहुँचे। तो स्टे पॉजिटिव ऑलवेज एंड कीप डूइंग द हार्ड वर्क। ये इंसान आपको हमेशा बताएंगे कि मैटर नहीं करता आप कहाँ पे पढ़े हो कहाँ पे नहीं, लेकिन हार्ड वर्क जो है आपका वो हमेशा आपके काम आता है। तो एक इंसान अपनी जो किस्मत है वो खुद ही बना सकता है। इस स्कूल में कितने लोग रहे होंगे, कितने सारे लोग पढ़े होंगे, लेकिन इन द एंड एक बच्चा उन्हीं में से बनता है प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स का, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड टॉप मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड का प्रेसिडेंट। तो आप इमेजिन कर सकते हो। हालांकि ये छोटा स्कूल है, ये देखो स्कूल ऐसा ही है, बाहर से एक बार दिखाए तो आपको स्कूल ऐसा कुछ है। और ये लगाई हुई है इन्होंने स्कूल पे ओबामा की एक स्टैचू बैरी। और वेरी राइटली सेड द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द पावर ऑफ देयर ड्रीम्स। तो मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हो, किस जगह पे हो, कौन से स्कूल में हो, अगर आप सपने देखना जानते हो और उन्हें पूरा करना जानते हो तो कोई मैटर नहीं करता कि आप दुनिया के कौन से कोने में और कैसे स्कूल में पढ़ रहे हो। तो ये है, जैसे कि ओबामा ने अपनी स्पीच में भी बोला था, नासी गोरेन जो फ्राइड राइस होते हैं वो उनको फेवरेट थे, तो इसलिए उस टाइम से लेके आज तक यहाँ पे बाहर एक फ्राइड राइस वाला है वो लगाता है अपना यहाँ पे, लेकिन वो रात को ही लगाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ वो रात को जो यहाँ पे लगाता है। ये तब से उसने ठेला ही लगा रखा है, ठेले टाइप का ही, और उसने कभी दुकान बड़ी की नहीं। अब पता नहीं उसका रीज़न क्या है, आज रात को वो दिखाऊँगा आपको और देखेंगे। ये देखो ये तो ये है स्कूल। ओके गाइस, तो ये था स्कूल प्रेसिडेंट ओबामा का मेंटेंग में। उनका जो घर है वो भी यहीं पे किसी आगे पीछे की स्ट्रीट में ही है, लेकिन अभी पता नहीं है मुझे, तो फिर मैं वहाँ जा नहीं सकता। और इनफैक्ट मेरे पास टाइम भी थोड़ा कम बचा है। तो यही है जो ये बंदा सामने आया है, ये लगाता शाम का टाइम होने वाला है तो इसीलिए ये आ गया है। ये लगाता फ्राइड राइस अपने यहाँ पर, जो कि ओबामा ने अपनी स्पीच में भी बोला था कि उनको बहुत पसंद थे, स्कूल के बिल्कुल बाहर। तो यहाँ पर शाम को आएँगे चेक करने, देखेंगे कि कैसे बना था, टेस्ट करके देखेंगे, ट्राई करेंगे। ये जो एरिया है ये है सेंटर ऑफ जकार्ता, सो मेन जकार्ता है ये। यहाँ पे मेंटेंग करके जो एरिया है उसी में ही है ओबामा का ये जो स्कूल है और जहाँ पे वो रहे थे पहले। काफ़ी सारी जगहों पे उन्होंने चेंज किया यहाँ पे घर, दो तीन बार शायद चेंज किए, पर उनमें से एक घर है जो वो मेंटेंग वाले एरिया में भी था, पर मैं अभी उस साइड जा नहीं पाया। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बड़े स्कूल्स में वो नहीं गए हैं लेकिन उन्होंने बड़े काम ज़रूर किए हैं। तो स्कूल से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है कि आपकी ग्रास्पिंग पावर क्या है और आप अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए क्या कर सकते हो। ये जो स्ट्रीट है मेंटेंग में, काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर आपको खाने पीने का बहुत कुछ मिल जाता है। तो अगर आप मेंटेंग में हो, ओबामा का स्कूल देखने आए हो या फिर उसके बाद घर वगैरह देखने आए हो, तो आपको यहाँ पर खाने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मेंटेंग में बिल्कुल ओबामा के स्कूल के दूसरी स्ट्रीट पे ही आप देखोगे ना, काफ़ी सारा खाने के लिए रात को होता है, तो आप आ सकते हो यहाँ पे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड जय हिंद फ्रॉम जकार्ता मेंटेंग।